गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय शर्मा, वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स एन सी आर टी ज्योग्राफी का चैप्टर सिक्स पार्ट सेकेंड। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड की बहुत सारी इम्पोर्टेंट पैरेलल हैं, लाइन हैं, मतलब कौन कौन सी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बिसाइड द इक्वेटर ज़ीरो, ये मैंने पहले ही बताया था कि इक्वेटर जो है ज़ीरो डिग्री है। ठीक है, ज़ीरो डिग्री पर रहता है। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल ये रहा ऊपर, यहाँ से जाएंगे नॉर्थ पोल पे सीधा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री का एंगल। एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ठीक है, ये साउथ में हो जाएगा साउथ पोल, और ये भी 90 डिग्री। ठीक, एस को साउथ से शो कर रखा है और नॉर्थ को एन से। देर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स, इनके अलावा फोर पैरेलल्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेटीट्यूड की कौन कौन सी हैं वो उनके बारे में देखिए। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये रही। ठीक है, ये कितने एंगल पे है, 23.5 नॉर्थ में, जीरो से 23.5 डिग्री पे रहे लाइन। ठीक है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम ऐसे नीचे आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ऐसी है 23.5 डिग्री पर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक, ये लैटिट्यूड हैं सारी। चलिए, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ में है। ठीक है, नीचे थर्ड नंबर पे देखते हैं आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, एक आर्कटिक सर्कल है ये रहा, ये 66.5 डिग्री पर है नॉर्थ में। ठीक, और नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ, एट ऐसे ही 66.5 डिग्री पर साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ऐसे ये जो है हमारी सारी इंपॉर्टेंट पैरेलल है। ठीक, आइए हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमारी अर्थ है इसे पूरे को एक हीट जोन मतलब डिवाइड कर रखा है जोन्स में। ठीक है, आइए देख लेते हैं पहले पिक्चर्स में। फर्स्ट है टॉरिड जोन, टॉरिड जोन में ये ग्रीन वाला पोर्शन सारा टॉरिड जोन का, टॉरिड कहते हैं बहुत ज़्यादा एक तरह से हीट एरिया। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में देखो एक ये एरिया, ये वाला एरिया है पिंक कलर का, और नेक्स्ट है ये भी टेम्परेट जोन है। ठीक, यहाँ पे क्लाइमेट्स कैसा रहता है, एक तरह से मिक्स रहता है कि ठंड भी गर्मी और मिडिल, एक तरह से है ना, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, मिडिल टेम्परेचर रहता है। ये पिंक वाले दोनों क्या हो गए, टेम्परेट जोन। नेक्स्ट है फ्रिज जोन, फ्रिज जानती हैं, फ्रिज ठंडा होता है, ऐसे फ्रिज जोन है, एक नॉर्थ पोल पर है एक साउथ पोल पर है। ठीक, यहाँ पे एरिया कैसा रहता है, क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा, फ्रिज की तरह फ्रिज जोन, इसे इसलिए कहते हैं। ठीक, आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो है हम टॉरिड जोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। ये कह रहा है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वन ए ईयर, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक, इसमें ईयर में वन मतलब वन टाइम सन जो है डायरेक्ट रेज इस एरिया में डलती हैं। ठीक है, फॉल होती हैं, गिरती हैं, उसके कारण ये जो है रिसीव मैक्सिमम हीट रिसीव कर लेता है ये एरिया ग्रीन वाला। ठीक, उस वजह से यहाँ पे जो है क्या रहती है, पूरे साल ज़्यादातर गर्मी रहती है। ठीक है, मतलब वहाँ का एरिया कैसा रहता है, टॉरिड रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एरिया। मतलब इस बीच में जो भी कंट्री होंगी अर्थ में वो सब कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली कंट्री होंगी, मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी। इंडिया भी कहाँ है, इंडिया इस जगह पर है। ठीक, तो क्या है, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसा रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे ठंड रहती है। आइए, ठीक है, टॉरिड जोन। आइए नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। देखो टॉरिड जोन के सामने एक पिक्चर भी दिखा रखी है, टॉरिड जोन पर जो सन की रेस पड़ती हैं वो इस तरह से पड़ती हैं ज़्यादातर। ठीक, आइए देखते हैं टेम्परेट जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कह रहा है कि जो हमारा
कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इन लाइन के अलावा देख लेते हैं ऊपर, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनके अलावा सन की रेज जो है इस एरिया में कभी डायरेक्ट फॉल नहीं होती, मतलब जाती नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे आती हैं? सिर्फ इस एरिया में। आइए देखते हैं, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, और जो पोल्स की तरफ सन की रेज जाती हैं इस एरिया में, वो कैसी जाती हैं? डिक्रीज, मतलब बहुत कम जाती हैं और सीधी भी नहीं जाती, ठीक। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक, इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक इस एरिया तक, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल, ये पिंक वाले एरिया तक। यहाँ पे क्या होता है देखो, देखते हैं, हैव मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है, एक तरह से मिडिल टेम्परेचर रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है इस एरिया में, ना ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। दीज आर देयर फोर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसलिए इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। एक साइड में पिक्चर्स भी दिखा रखी है कि सन की रेज उस एरिया में किस तरह से जाती है। टॉरिड जोन में तो डायरेक्ट होती हैं, है ना, डायरेक्ट फॉल होती है, बट जो ये टेम्परेट जोन है उसमें इस तरह से जाती हैं सन, मतलब थोड़ी डिक्रीजिंग या स्लाइट टिहड़ी जाती हैं, मतलब ठीक है, डायरेक्ट फॉल नहीं होती। आइए नीचे देखते हैं, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल द साउथ पोल इन द साउथन हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड। आइए देख लेते हैं पिक्चर्स में, एक मिनट इसे इरेज कर देता हूँ मैं सारे पिंक एरिया लाइनिंग को, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये कह रहा है जो ये आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ पोल तक, ठीक है, नॉर्थ में, और ये अंटार्कटिक सर्कल है साउथ में, ये वाला एरिया ये कैसा रहता है? इट इज़ वेरी कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ये, है ना, आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज, क्यों? हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द हॉरिजोन, क्योंकि इस एरिया में कभी सन राइज नहीं होता, ठीक है, चमकता नहीं है कभी, ना ही उसकी जो रेज है वो डायरेक्ट कभी जाती हैं। देयरफोर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, स्लैंटिंग जानते हैं ना कैसे कहते हैं, तिरछी, एक मिनट, सीधी नहीं, मतलब एक तरह से देखो इस तरह से, है ना, एंड प्रोवाइड लेस हीट। इन दोनों एरियो में सन की रेस स्लैंटिंग जाती हैं, फॉल होती हैं, और वो प्रोवाइड लेस हीट, मतलब वहाँ पे हीट को नहीं दे पाती, वो एरिया हमारा हीट रिसीव नहीं कर पाता उस वजह से। दीज आर देयर फॉर ऑल कॉल्ड फ्रिज जोन आर वेरी कोल्ड, इसलिए उसे हम फ्रिज जोन कहते हैं, मतलब वेरी कोल्ड, ठंडा कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन की रेज नहीं जा पाती और वो हीट जो है रिसीव नहीं कर पाता, ठीक। आइए अब देखते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की फिक्स पोजिशन पर इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन ए लेटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। ये कह रहा है किसी भी प्लेस की लोकेशन को या पोजिशन को जानने के लिए हमें लेटीट्यूड के अलावा और भी, लिखा ना मोर देन द लेटीट्यूड, लेटीट्यूड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लेस की पोजिशन को देखने के लिए, ठीक। ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन ड्रॉ होती है उन्हें कहते हैं लेटीट्यूड, ठीक है। इनकी काउंटिंग करीब 361 होती हैं ये, ठीक है, कहीं पर 360 लिखा रहता है। जैसे लेटीट्यूड की सेंटर में कौन आती है लाइन पर, लेटीट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री पर, सेम ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की जो सेंटर लाइन है वो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर, ये वाली, ठीक है। ये अर्थ को जैसे आपकी इक्वेटर किस पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में, ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री पर, वो अर्थ को डिवाइड करती है वेस्ट में और ईस्ट में, ठीक। इक्वेटर ने किससे किया था, नॉर्थ में और साउथ में, ऐसी प्राइम मेरिडियन करती है वेस्ट और ईस्ट में। आइए देखते हैं, यू कैन सी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा है द टोंगा आइलैंड, एक प्लेस है टोंगा आइलैंड, ठीक है, आइलैंड तो जानती हैं जिसके फोर साइड, मतलब चारों ओर वाटर से कवर्ड होता है जो प्लेस।
इन द पैसिफिक ओशन, टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, और एक मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। ये कह रहा है कि जो ये दोनों प्लेस हैं ये कहाँ पर हैं, 20 डिग्री साउथ में हैं दोनों प्लेस। नाउ इन ऑर्डर लोकेट देम प्रीसिसली, तो अब हम इन्हें कैसे फाइंड करेंगे, दोनों एक ही जगह दिखा रहा है 20 डिग्री साउथ में। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब देखिए, जैसे आपकी ये लेटीट्यूड है, इसने कहा ना लेटीट्यूड 20 डिग्री साउथ, ये वाला पोर्शन साउथ का है, ठीक। मान लीजिए 20 डिग्री पर है, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं 20 डिग्री। यहाँ पे क्या है, दोनों प्लेस हैं ये, कौन कौन से, टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे टोंगा है और यहाँ पे मॉरिशस है, तो इनकी पोजिशन को फाइंड करने के लिए हमें, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों प्लेस साउथ में है, अब हमें ये और फाइंड करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कि ये कौन सी लॉन्गिट्यूड पर हैं। अब ये इनके लेटीट्यूड तो पता चल गई 20 डिग्री है ये वाली, बस लॉन्गिट्यूड की लोकेशन और फाइंड करनी है हमें, ठीक। ये लॉन्गिट्यूड में ईस्ट में है या वेस्ट में है, जैसे नॉर्थ वो था आपका पहले एग्जांपल दिया था ना कि 20 डिग्री पर हैं दोनों प्लेस, महाराष्ट्र का प्लेस दिया था एक और एक कोई और प्लेस दिया था 20 डिग्री, लेकिन उसमें हमने कैसे फाइंड किया कि एक नॉर्थ में एक साउथ में, ऐसी हमें इन प्लेसेस को फाइंड करना पड़ेगा, टोंगा आइलैंड को और मॉरिशस आइलैंड को, कि ये ईस्ट की 20 डिग्री में है या वेस्ट की 20 डिग्री में है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा इन प्लेस की पोजिशन का। दीज लाइन ऑफ रेफरेंस और कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री। ये कह रहा है इनकी भी हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं सारी लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। जैसे ये देखा है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड है इनकी जो मेजर करेंगे वो डिग्री में करेंगे। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इन टू मिनट्स, हर डिग्री डिवाइड होती है किस में, मिनट्स में, एंड मिनट्स इन टू सेकेंड, और मिनट डिवाइड होती है सेकेंड में। दे और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो जानते हैं ना, हाफ सर्कल मतलब ये इस तरह का यहाँ तक, सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टडली पोल वार्ड्स अंटिल इट्स बिकम जीरो एट द पोल्स। ये कह रहा है जो हमारी ये, एक मिनट इसे इरेज कर देता हूँ, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड हैं सारी ये डिक्रीज होती चली जाती हैं। आप देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे पास आती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और पोल पर जाकर इनकी वैल्यू क्या क्या हो जाती है, यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाती है, ये बता रहा है हमें, ठीक है। ज़ीरो एट द पोल्स, पोल्स पे जाके इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। कहाँ पे, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पे ये सारी मेरिडियंस मिलती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखें।